नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस समय शाम के 4:30 बजने वाले हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने वाराणसी और अपने मोहल्ले से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर लहरतारा बौलिया। और आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और तारीख के बारे में बात किया है तो आज है 22 अक्टूबर। तो मैं शाम के समय निकल चुका हूं आपको मार्केट का नज़ारा दिखाने के लिए अपने वाराणसी के बौलिया का मार्केट। तो चलिए आपको बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या हाल है अपने वाराणसी के मार्केट का और ख़ासकर धनतेरस वाले दिन। और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको बैक कैमरा से आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सामने देख पा रहे होंगे जो कि है लहरतारा चौराहा। हालांकि मैं वहां तक लहरतारा चौराहा से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं बीच से ही वीडियो बनाना मैं शुरू कर रहा हूं। और वैसे बात किया है तो यह रास्ता सीधे चला जाएगा वाराणसी जंक्शन के लिए। ये देख रहे हैं, ये कुल हाल कुछ इस प्रकार है जो कि बौलिया और लहरतारा सटा हुआ है। तो आगे जाने के बाद आपका आ जाता है लहरतारा। अगर वही पीछे साइड में जाएंगे तो आपका आ जाएगा बौलिया। तो यहाँ से देख रहे हैं, ये सब मार्केट देख रहे हैं। काफ़ी इस समय देखेंगे, शाम का समय है, काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है। जिस प्रकार आप बाएं साइड में देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, उसी प्रकार आप सामने यानी कि दाहिने साइड में भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है। आज है धनतेरस, तो धनतेरस की ख़रीदारी करने के लिए जो कि महिलाएँ हैं अपने घर से बाहर निकल चुकी हैं मार्केट में सामान लेने के लिए। और ख़ास कर देखा है तो आज जो खरीदारी होता है वो होता है लक्ष्मी गणेश जी का प्रतिमा, फूल मालाएं, पूजा करने के लिए लड्डू हो गया और कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसे खरीदा जाता है नया चीज़। और ख़ास कर देखें तो ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो आपको बर्तन का नज़र आएगा। इस समय देखिए शाम का समय है, जिसके वजह से सूर्य का रोशनी आने की वजह से हो सकता है मेरा वीडियो जो है थोड़ा सा काला टाइप का आ रहा होगा। ये देख रहे हैं, आगे जाने के बाद इस साइड देखिए एक कपड़े का शोरूम है JS मार्ट, जो कि अपने वाराणसी के लहरतारा पर स्थित है। ये देखिए यहाँ पर आपका दिया बिक रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बिक रहा है। और आज ही के दिन देखेंगे तो अपने वाराणसी के जितने भी शोरूम हैं, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, वहाँ पर भी भीड़ लगा रहता है। ये देखिए लक्ष्मी गणेश का जो दुकानें हैं ये पूरा देखा है तो ये फुटकर की दुकानें हैं। ये देख रहे हैं, ये देखा है तो मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह मार्केट स्थित है और काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहता है, तो इसलिए मैं इसी मार्केट को मैं ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हैं घर में सजाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपने दिखाया था कि राजा दरवाजा पर यह थोक रेट में बिकता है, ये देख रहे हैं इस साइड सजाने वाला जो है। और मूर्तियाँ भी आपको बिकते हुए नज़र आ रहा होगा लक्ष्मी गणेश जी का। और सामने जो कि महिलाएं हैं खरीदारी करते हुए आपको नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पर देखिए ये देसी सूरन है। और इस साइड भी देखिए दुकानें लगी हुई, हालांकि ये दुकान रहता नहीं है रोड पर, लेकिन ये देख रहे हैं धनतेरस की वजह से यह दुकानें जो है लगी हुई हैं। आगे जाने के बाद दाहिने साइड में है काफ़ी प्रसिद्ध एक स्वीट हाउस है जिसका नाम है माँ दुर्गे स्वीट हाउस। और इसका नाम इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जहाँ पर यह दुकान है उसी के पीछे है दुर्गा जी का मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध है मंदिर बौलिया का। ये देख रहे हैं, और मंदिर के बारे में बात किया है तो सामने है मंदिर, ये देखिए माँ दुर्गे स्वीट हाउस। और उसी के बगल में ये देखिए ये है मेन प्रवेश द्वार, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे।
और इसी मंदिर से सटा हुआ है माँ दुर्गे बालिका इंटर कॉलेज भी। और इस रास्ते के बारे में बात किया है तो ये सीधे रास्ता चला जाएगा, चांदपुर चौराहा होते हुए, रोहनिया होते हुए NH 90 में जाकर मिल जाएगा। और वही बात किया जाए इस रास्ते को, यह रास्ता जो है ये सीधे चला जाएगा फुलवरिया गांव के लिए, यानी कि इसी रास्ते से आगे जाएंगे तो आपका बन रहा है शिवपुर लहरतारा फुलवरिया फोर लेन, यानी कि इस रोड से भी एक फ्लाईओवर गया हुआ है। ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पर बर्तन की खरीदारी हो रहा है काफ़ी ज़बरदस्त, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और ज़्यादातर इस मार्केट में देखेंगे तो महिलाएं ही आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, और कभी कभी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से इस रोड पर काफ़ी ज़बरदस्त वाला जाम भी लग जाता है। और आगे जाने के बाद एक बैंक है जिसका नाम है यूनियन बैंक। ये देख रहे हैं, ये तो अभी फिलहाल ये शाम का समय है, जैसे जैसे रात होता जाएगा यानी कि 6 से 7 बजे काफ़ी ज़बरदस्त वाला यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं इस साइड, यहाँ पर पहले एग रोल का दुकान था, लेकिन फिलहाल अभी देखिए जो कि लक्ष्मी गणेश जी का प्रतिमा बिक रहा है, और इस साइड देखिए सजावटी सामान बिक रहा है, उसी प्रकार देखिए उस साइड भी बिक रहा है सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस साइड देखिए लाई चूड़ा। ये देख रहे हैं यूनियन बैंक के बारे में बात कर रहा था, वो सामने है यूनियन बैंक। ये देखिए कई दुकान, अगर देखेंगे तो कई दुकान पर आपको पैराशूट भी बिकते हुए नजर आएगा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और आगे ही जाने के बाद एक होटल है, काफी प्रसिद्ध होटल है यादव होटल, वो आप सामने देख पा रहे होंगे, जो कि एक बरगद का पेड़ आपको नजर आ रहा है, वहीं पर यादव होटल स्थित है। तो फिलहाल आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखा है तो एक आखिरी दुकान है, उसके बाद जो दुकानें हैं वो खत्म हो जाती हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।